तो गाइस एग्जांपल नंबर 69 की तरफ को चलते हैं। ये जो एग्जांपल बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का, जैसे कि आपने गॉस थ्योरम के सारे एग्जांपल कर लिए, गॉस थ्योरम के एग्जांपल कर लिए, प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस कर ली। अब ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के ऊपर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहना चाह रहा है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कंसिस्ट करता है प्लस माइनस 2×10⁻⁸ कूलम को, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल फिगर के हिसाब से ये रखी हुई है। देखो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है 2 mm। ये एक लाइन चार्ज है, यहाँ लाइन चार्ज से अगर निगेटिव चार्ज को देखोगे डायपोल के तो ये 2 cm के डिस्टेंस पर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू फिगर हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इस डायपोल पर इस लाइन चार्ज की वजह से टोटल फोर्स कितनी लगने वाली है। तो आपको कैलकुलेशन जो करनी है वो टोटल फोर्स की करनी है। एक बात ध्यान देने की है, ये लाइन चार्ज है निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो लेट अस सपोज कि ये फोर्स जो है ये F1 है और ये पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्शन लगाएगा, तो ये कुछ इस तरफ को आएगा रिपल्सन की डायरेक्शन। तो आपके पास डायपोल पर दो फोर्स दिखाई देंगे, एक F1 दिखाई देगा एक F2 दिखाई देगा। F1 जो है वो टुवर्ड्स द लाइन चार्ज है जबकि F2 जो है वो आउटवर्ड द लाइन चार्ज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो हमसे नेट पूछ रहा है कि इसमें नेट फोर्स कैसे निकलेगा। अगर इसके नेट फोर्स की बात करोगे, F नेट की बात करोगे, सही करके लिख लेते हैं इसको, अगर F नेट की बात कर लेते हैं तो F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा पहली बात F1 प्लस F2। इस तरह से दिखाते हैं वेक्टर फॉर्म में, जब इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो F नेट इज इक्वल टू जो ज़्यादा वाला फोर्स होता है उसमें से कम वाला फोर्स माइनस हो जाता है। F1 जो है वो लाइन चार्ज के पास में है तो ये फोर्स ज़्यादा है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये लाइन चार्ज से बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कम होगा, F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसको आप कहोगे F1 माइनस F2। ये जो नेट फोर्स निकल कर आया है किसकी तरफ को आएगा, टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा लग रहा था वो कम लग रहा था, तो जो नेट फोर्स आएगा वो इधर की तरफ को आएगा डायपोल पर। तो आप इसको कह दोगे टुवर्ड्स द लाइन चार्ज। जो नेट फोर्स आ रहा है वो किधर को आ रहा है, टुवर्ड्स द लाइन चार्ज। आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो है एफ नेट बता दो। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, इस लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स कैसे निकालेंगे, इसको आप पी पॉइंट कह सकते हैं, इसको आप क्यू पॉइंट कह सकते हैं। तो पी पॉइंट पर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो पहला आप पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा। अब लाइन चार्ज मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपको दे रही होती है, लेट अस सपोज कि लैम्डा है किसी वायर पर, तो उससे किसी भी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है E=1/4πε₀2λr। ये वाली बात तो क्लियर होगी आप लोगों को, E=1/4πε₀2λr। यहाँ पर लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है और क्वेश्चन के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे भी रही है 4×10⁻⁴ कूलम पर मीटर। तो एक काम कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, इसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ तो उस पर आप फोर्स कैलकुलेट नहीं करते हो। कैसे, F=Q×E। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स देखनी है तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स मिल जाएगी। तो मुझे इस पर फोर्स देखनी है, तो इस पर फोर्स देखने के लिए मुझे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा, फिर यहाँ पर जो रखा हुआ चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे यहाँ पर फोर्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहाँ पर जल्दी से बताओ, एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको लेट अस सपोज मैं EP कह देता हूँ, ये हो जाएगा 1/4πε₀2λ। डिस्टेंस कितनी है, 2 cm, सेंटीमीटर को हाथों हाथ मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो गया। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको चाहिए कि आपको चाहिए फोर्स। तो यहाँ फोर्स निकालोगे कैसे, फोर्स ऑन
निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स निकल कर आएगी वो किधर को आएगी वो अभी देख लेते हैं। क्यू इंटू ई होगा ये, क्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी है, जल्दी से बताओ। क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻⁸ मैग्नीट्यूड रखोगे, 2 × 10⁻⁸ कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/2 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा देखो कैसे, 2 से 2 काटो पहले तो आप, ठीक है। फोर्स है, इसको 2 ऐसे रहने दो, ये 2 ऐसे रहने दो, 2 × 10⁻⁸ ये ऐसे रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है भाई। लैम्डे की वैल्यू आपके पास है कितनी, 4 × 10⁻⁴, तो आप रख देंगे 4 × 10⁻⁴। नीचे 10⁻²  चल रहा था, 10⁻²  से 10⁻⁴ का -2 रह जाएगा, ठीक है भाई। इसको देखते हैं, 9 ये है, 4 ये है और 2 ये है, तो 9 × 36 = 36, 2 = 72, 72 तो ये आ गया। 10⁻⁸ ये है, 10⁻+9 ये है, तो 10⁻¹ बचेगा। 10⁻⁻² ये है, तो 10⁻¹ बचेगा, ये हो जाएगा 10⁻¹। सॉल्व करोगे तो 7.2 न्यूटन आ जाएगा। तो जो फोर्स आई है माइनस क्यू चार्ज पर कितनी आई है, 7.2 न्यूटन। किधर की तरफ को आएगी, टुवर्ड्स द लाइन चार्ज। आप कहोगे फोर्स जो है ये, इसको आप F1 कह दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। F1 कितना आ जाएगा, 7.2 न्यूटन, किधर को, टुवर्ड्स लाइन चार्ज। होप सो समझ में आ गया होगा इतना। अभी आपने एक फोर्स निकाली है, एक फोर्स निकाली है मतलब माइनस क्यू पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया है, इसी तरीके से आप प्लस क्यू पर लगने वाला फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ और एक क्वेश्चन फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ेगा पीछे की तरफ को, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार देखूँ, मेरे पास तो ऑप्शन है भाई, ठीक है भाई। अब देखो, आपने इस पर फोर्स देख लिया माइनस क्यू पर, कितनी फोर्स लग रही थी इधर को, 7.2 न्यूटन की। अब आप इस लाइन चार्ज की वजह से इस पर फोर्स देखेंगे प्लस क्यू पर, और आपको पता है प्लस क्यू पर फोर्स किधर को लगेगी, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज लगेगी, कुछ इस तरफ। तो यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता होना चाहिए। यस, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पी कह रखा था, इसको क्यू कह रखा था। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको आप ई क्यू कह दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन चार्ज की वजह से कितना होता है, 2 λ/distance। अब डिस्टेंस कितनी होगी, 2 cm ये है और 2 mm ये है, तो ये हो गई 2.2 cm, ठीक है, 2.2 cm यहाँ से यहाँ तक। इसको सही करके लिखेंगे, 2.2 cm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², तो अल्टीमेटली आपके पास 2.2 × 10⁻²² मीटर की डिस्टेंस है क्यू पॉइंट पर रखे हुए चार्ज तक की। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ये आपके पास 2 λ/distance, डिस्टेंस कितनी है आपके पास, इसको अभी फिलहाल आप आर कह दो, ठीक है। इतनी बात कहने के बाद यहाँ पर फोर्स देखो, फोर्स ऑन प्लस क्यू, प्लस क्यू पर फोर्स कितना होगा, इसको आप F2 कह दो। यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर चार्ज जो रखा है वो और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने निकाल ली, ठीक है। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, EQ है, यहाँ का चार्ज जो रखा हुआ है वो क्यू रखा हुआ। EQ की वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r, और यहाँ का चार्ज कितना क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, 2 λ की वैल्यू आपके पास गिवन है 4 × 10⁻⁴, ये आप ऐसे ही रहने देंगे। चार्ज कितना था आपके पास, 2 × 10⁻⁸, ये ऐसे ही रहने दिया। डिवाइड में r की वैल्यू बची, r कितना है, 2.2 × 10⁻², तो यहाँ आ जाएगा 2.2 × 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.5 न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई, 6.5 न्यूटन आ जाएगा। अब इस पर जो फोर्स लगेगी किधर को लगेगी, ये F2 की डायरेक्शन आएगी इस तरफ को, F1 की डायरेक्शन है इस तरफ को, तो F2 की डायरेक्शन जो होगी वो अवे, दूर,
कहाँ से है? लाइन चार्ट से. तो आप कहोगे अवे अवे फ्रॉम लाइन चार्ज. ठीक है, आपको नेट फोर्स निकालनी है. तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? ज़्यादा वाली में से कम वाली को माइनस कर दोगे. तो आप कहोगे एफ नेट, एफ नेट निकालना है. तो ये एफ वन माइनस एफ टू हो जाएगा. एफ वन की वैल्यू आपने निकाली थी 7.2 न्यूटन आई थी, एफ टू आपने सॉल्व किया है 6.5 न्यूटन है. तो ज़्यादा वाली में से कम वाली को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बताओ? 0.7 ही आएगी ना. 7.2 में से 6.5 माइनस कर दो, 7.5 × 12.7 बचा, तो 0.7 न्यूटन. अब ये जो नेट फोर्स है इसके डायरेक्शन किधर को है? ज़्यादा वाला फोर्स इधर को है, कम वाली फोर्स इधर को है. तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो अल्टीमेटली इधर को ही रिजल्टेंट निकल कर आएगा. तो इसको बोलेंगे टुवर्ड्स लाइन चार्ज. किधर की तरफ को है ये? टुवर्ड्स लाइन चार्ज. यही आपसे पूछ रहा था कि भाई नेट फोर्स की डायरेक्शन भी बताओ और नेट फोर्स बताओ कितने लगेगी. तो एफ नेट जो लगेगा वो कुछ इतना लग रहा होगा. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. एक बेसिक सा क्वेश्चन था एप्लीकेशन, एक बेसिक सा क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के ऊपर. लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन था. लीनियर चार्ज डेंसिटी इट मींस आपके पास एक वायर है, वायर के ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला E=1/4πε0 2λ/r. ये बेसिक सा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. बिल्कुल सही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. डाउट है तो दोबारा क्वेश्चन को देखो, समझ में आ जाएगा. थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए.